द होम मिनिस्टर में स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी। एकदम सिंपल टेस्टी रेसिपी है ये। आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं या डिनर में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस टेस्टी ब्रेड ऑमलेट को बनाना शुरू करते हैं। मैं दो अंडे का ऑमलेट बना रही हूँ। तो एक बर्तन में हम दो अंडे को तोड़कर डालेंगे। इसमें अब हम मिला लेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसमें अच्छा कलर देने के लिए हम थोड़ी सी हल्दी भी मिलाएंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल लिए, और मिला लेते हैं थोड़ा सा नमक। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो आप इसे विस्क से या फिर चम्मच से फेंट लीजिए। अंडे हमने फेंट लिए हैं, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पे थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा बटर डाल के इसे तवे पर चारों तरफ फैला लीजिए अच्छे से। और बटर जब पूरा मेल्ट हो जाए, तब हम इसमें अंडों को डालेंगे। तो ये जो हमने अंडे फेंट लिए थे, उसे डाल लीजिए तवे पे। दोस्तों, फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। इसे हम हाई फ्लेम पर नहीं पकाने वाले, एकदम धीमे आंच पर हमें इसे सेकना है। अब इस अंडे को हम तवे पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसमें अब मैं कुछ कटी हुई सब्जियां मिला रही हूँ। तो ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज स्प्रिंकल की है, थोड़ी सी मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ। सब्जियां बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ दोस्तों, थोड़ा फ्लेवर के लिए ही है बस। हरी धनिया भी डाल लेंगे, इसे भी स्प्रिंकल कर लेंगे चारों तरफ, और थोड़े से टमाटर डालेंगे। फ्रेंड्स, आधी सब्जियां मैंने यूज कर ली और आधी अभी भी बचा कर रखी है। अब थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे इसमें। और ये है, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसे इस तरह से हम अंडे में लपेट लेंगे और बीचों बीच रख लेंगे। मैं चार ब्रेड स्लाइसेस ले रही हूँ दोस्तों, जिसे इस तरह से बीचों बीच अंडे में लपेट कर रख दे रही हूँ। जितना भी एक्सेस लिक्विड अंडा रहेगा वो इसमें सोख लेगा। ये देखिए दोस्तों, ऑमलेट के ऊपर मैंने चार ब्रेड स्लाइसेस बिछा लिए हैं। इस पे अब हम थोड़ी सी और प्याज डालेंगे। तो ये देखिए, चारों ब्रेड स्लाइसेस पे फैला कर डाल लीजिए। बची हुई शिमला मिर्च भी डाल लिए, धनिया के पत्ते डाले हैं, और टमाटर भी डाल लिया है। थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लेंगे। और मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर को भी स्प्रिंकल कर लेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च यूज नहीं की है, इसके बदले में मैं यूज कर रही हूँ दोस्तों ये ग्रीन चटनी। इससे तो ऑमलेट और भी स्वादिष्ट हो जाता है। इस चटनी रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अब लास्ट में मैं इसमें चीज स्लाइस को तोड़कर डाल रही हूँ। तो ये देखिए, चीज को मैंने अच्छे से फैला लिया है। और बस दोस्तों, अब हमें इसको इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक चुका है ऑमलेट। फ्रेंड्स, ध्यान रहे इसे एकदम लो फ्लेम पे ही सेकिए, ताकि ये अंदर तक सिक जाए। आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, और ये बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। थोड़ा सा बटर और डाल रही हूं मैं। ये देखिए, ऊपर से भी इसे बटर से हम थोड़ा सा कोटिंग कर देंगे, और पलटते हुए इसे थोड़ी देर के लिए और सेक लेंगे। गैस को अब ऑफ कर दीजिए। ऑमलेट अच्छी तरह से सिक चुका है। इसे बीच से हम दो भागों में काट लेंगे, और ये हमारा स्वादिष्ट ब्रेड ऑमलेट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सॉस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, और एकदम फिलिंग भी है। आप जरूर बना के देखिए, और मेरी ये ब्रेड ऑमलेट रेसिपी पसंद आई है तो इसे थम्स अप देना ना भूलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।